हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मेरा नाम है अयूब और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अयूब एडिट्स में। तो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम कुछ इस टाइप की एडिटिंग करने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारी जो फोटो है एडिट हुई भी है, कितनी क्रिएटिव लग रही है। तो इसी टाइप की एडिटिंग आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, मेरी जो पहले ओरिजिनल फ़ोटो थी वो कुछ ये थी, और एडिटिंग करने के बाद आप देख चुके हैं किस टाइप से ये फोटो होगी। ये फोटो बहुत ही क्रिएटिव लग रही है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ फोटो आपने क्लिक कैसे करनी है। इसको क्लिक करने के लिए आपसे सिंपली आपको एक फ़ोटो अपनी क्लिक कर लेनी नॉर्मल, एंड उसके बाद आपने जो है मॉडल को हटा देना और बैकग्राउंड की फ़ोटो जो है क्लिक कर लेनी है। मैंने इस पर पूरा डिटेल में एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो गाइस उसको भी जा करके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि इस टाइप की फ़ोटो किस तरह से क्लिक की जा सकती है। तो गाइस, अभी हम जो इस फोटो का करने वाले हैं एडिटिंग, तो इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो पूरा देखना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन को भी दब देना गाइस। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को बिना किसी टाइम बर्बाद करें। तो गाइस, सबसे पहले जो हम इस वाली फोटो को जो है हम गाइस कर लेते हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन। एंड गाइस, उसके बाद इस फोटो को ओपन करने के बाद आपने जो है ऐड फोटो में जाना है और अपनी जो है मॉडल वाली फ़ोटो उसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। एंड इसको ऐड करने के बाद इसको जो है अपनी बैकग्राउंड वाली फ़ोटो से जो है बिल्कुल बराबर यहाँ पर रख देना है गाइस, कुछ इस तरह से, बिल्कुल ठीक। एंड उसके बाद आपने यहाँ इरेजर पर जाना है, और इरेजर पर जाने के बाद इसके साइज़ को थोड़ा एडजस्ट कर लेना है, देन बाकी सबको ऐसे रहने देना। उसके बाद फोटो को जूम करना है, और ये जो हमारा स्टूल वाला पार्ट है इसको हम यहाँ से इस तरह से इरेज कर देंगे गाइस। उसके बाद गाइज यहाँ से कर देना है आपको इसको डन, और उसके बाद यहाँ से कर देना है इसको डन। एंड गाइज, उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें एक न्यूज़पेपर की पेनजी ऐड करनी है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड उसको मैं जो है यहाँ पर अभी ऐड कर लेता हूँ, तो मैंने उसको यहाँ पर ऐड कर लिया। और इसका साइज जो है आपने पूरा इस फोटो को बराबर रख देना है, मतलब ये जो पेनजी है इसको इस तरह से रखना है जो हमारे चारों तरफ है अच्छे से सेट हो जाए, कुछ इस तरह से गाइज, बहुत बढ़िया। और यहाँ इरेजर पर जाना है, और इसकी जो ये एक्स्ट्रा पार्ट पर आ रहा है इसको यहाँ से हम इरेज कर देंगे, बहुत बढ़िया गाइस, यहाँ से कर देंगे इसको सेव। अब आपको दिखाता हूँ मैं, इससे जो बहुत हल्का इफेक्ट आएगा, पर लेकिन इफेक्ट जो आएगा वो बहुत बढ़िया लगेगा कलर कलेक्शन करने के बाद, ये आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ से कर देना है इसको डन। अब गाइस, हमने क्या करना है, हमने डालना है इस फोटो में कलर, तो कलर के लिए हम जाएंगे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। उससे पहले इस फोटो को कर लेंगे यहाँ से सेव, और अब कर लेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन। तो गाइस, लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर मैंने अपनी फ़ोटो को ओपन कर लिया। इसके बाद क्या करना है गाइस, हमने इसकी सबसे पहले करनी है लाइट एडजस्टमेंट, तो लाइट में आ जाते हैं, और लाइट में आने के बाद इसके कॉन्ट्रास्ट को हम यहाँ पर प्लस करेंगे, दैन हाईलाइट्स को यहाँ पर माइनस कर देंगे, हल्का माइनस करेंगे, ज़्यादा नहीं। शेडोज़ को प्लस करेंगे, देन ब्लैक्स को यहाँ पर माइनस करने वाला है थोड़ा ज़्यादा, और वाइट्स को हम इसके हल्का माइनस कर लेंगे गाइस, बहुत बढ़िया। उसके बाद गाइस हम जाएंगे कलर के अंदर, और कलर में आने के बाद इसके वाइब्रेंस को हमने प्लस करना है, प्लस ज़्यादा रखेंगे 45-46 के आसपास जो हम इसको रख सकते हैं गाइस, बहुत बढ़िया। उसके बाद गाइस हम जाना है ऊपर से मिक्स के अंदर, और मिक्स में आने के बाद हमने लेना है सबसे पहले रेड, तो रेड की ल्यूमिनेंस को यहाँ पर हमने प्लस कर देना है, स्किन टोन हमारी जो अच्छी हो जाएगी इससे गाइस। और उसके बाद जो है गाइस हमने लेना है येलो कलर, और येलो कलर की उसको हमने -100 कर देना है, देन सैचुरेशन को भी माइनस यहाँ पर थोड़ा माइनस कर देना है, बहुत बढ़िया गाइस। उसके बाद गाइस ग्रीन, तो ग्रीन के उसको -100 एंड सैचुरेशन को भी -100। उसके बाद गाइस हमारे पास है रेड, तो रेड की सैचुरेशन को हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, पहले यूज़ हम इसकी जो है चेक करेंगे गाइस, तो यूज़ को हम इसके हल्का प्लस करेंगे ज़्यादा, और सैचुरेशन को हल्का माइनस कर देंगे गाइस, बहुत बढ़िया। उसके बाद गाइस हमारे पास है स्काई ब्लू, स्काई ब्लू की यूज़ को हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, माइनस ही कर देते हैं, देन इसकी से यूज़ को भी -100 करेंगे गाइस, बहुत बढ़िया। देन उसके बाद गाइस कर देना है यहाँ से इसको डन। अब हमारे पास है यहाँ पर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को हमने यहाँ पर हल्का प्लस कर लेना है, थोड़ा
कम रखना है ज़्यादा नहीं, एंड टिंट को थोड़ा प्लस कर लेना है और टेम्परेचर को उसका माइनस, बहुत बढ़ेगा। तो उसके बाद गाइस हमने जाना है क्लेरिटी के अंदर, और क्लेरिटी में आने के बाद इसकी क्लेरिटी को हमने प्लस करना है इतना, और उसके बाद बिजनेट को यहाँ पर हमने थोड़ा ज़्यादा डाउन कर लेना है इतना, टैन फेदर को यहाँ पर फुल कर देंगे हम, बहुत बढ़िया गाइस। उसके बाद गाइस हमने जाना है ऊपर से स्प्लिट टोन के अंदर, और इसमें आने के बाद सबसे पहले हमने लेना है हाईलाइट्स, और हाईलाइट्स को हम ले आएंगे येलो एंड ग्रीन के बीच, और इसकी यूज़ को हम कर देंगे यहाँ पर प्लस, सॉरी यूज़ को 58, देन सैचुरेशन को प्लस 13, बहुत बढ़िया गाइस। उसके बाद गाइस हमारे पास शेडो, तो शेडो को हम लेंगे और यहाँ पर ही जहाँ पर ये है इसको यहाँ पर ही ला करके इसके सैचुरेशन को हम कर देंगे हल्का सा प्लस प्लस 5 के आसपास, बहुत बढ़िया गाइस। उसके बाद इसको कर देंगे हम बैलेंस, तो बैलेंस के लिए हम करेंगे इसको हल्का माइनस, नहीं प्लस कर लेते हैं गाइस, प्लस में ज़्यादा बेटर लग रहा है, प्लस कर लेते हैं, बहुत बढ़िया गाइस। उसके बाद कर देना है यहाँ से इसको डन। देन गाइस अब हमारी फ़ोटो हो गई पूरी अच्छी तरह से तैयार, आप देख सकते हैं गाइस कितनी प्यारी डिटेलिंग फोटो में आ गई है, और फोटो में बिल्कुल बैकग्राउंड से एकदम मैच हो गई है। तो गाइस इसी टाइप की फोटो एडिटिंग मैंने आज आपको सिखानी थी, उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलता है नई वीडियो में बहुत जल्दी।